नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। चोर और चोरियों की आपने सैकड़ों दिलचस्प कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक पाकिस्तान के शख्स ने जिस अंदाज में एक लग्जरी कार की चोरी की है, उसकी कहानी दुनिया भर में वायरल हो रही है। आमतौर पर कार की चोरी एक शहर से दूसरे शहर में होती है या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में, लेकिन बाढ़ की वजह से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान का चोर इतना शातिर निकला कि लंदन से कार चुराकर पाकिस्तान ले आया और एक बंगले में जब्त कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन से चुराई गई लग्जरी बेंटले मलसेन कार पाकिस्तान के कराची में एक बंगले में मिली। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारियों ने ये लग्जरी कार कराची के आलिशान बंगले में रेड मारकर जब्त की है। कराची में चोरी की कार होने की जानकारी पाकिस्तानी अधिकारियों को ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने दी थी। अब हर कोई ये जानने के लिए बेकरार है कि भला लंदन से कार चुराकर कराची लाया कैसे जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार को चुराकर चोर उसे कराची तक तो ले आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बेंटले कार से ट्रैकिंग सिस्टम को नहीं हटा पाया। जानकारी के लिए बता दें कि चोरी की गई कार की कीमत बाजार में 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। ये बेंटले कंपनी की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है। जिस घर से कार बरामद की गई, पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसके मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान जब उससे कार के दस्तावेज मांगे गए तो वो उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अलावा गाड़ी का सौदा करने वाले ब्रोकर से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारियों के मुताबिक कार का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी है। हालांकि उन्होंने पाया कि कार का चेसिस नंबर यूके के अधिकारियों द्वारा दिए गए विवरण से मिल रहा है। उनका कहना है कि कार को अवैध तरीके से कराची लाया गया, जिससे पाकिस्तान की सरकार को 30 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक मुख्य आरोपी नहीं मिला है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व CM इमरान खान की पत्नी पर विदेशों से मिलने वाले तोहफे बेचने के आरोप लगे थे। मामला तब खुलकर सामने आया था जब 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का एक हार, जो इमरान को खाड़ी देश के एक शासक ने गिफ्ट किया था, वो लाहौर के एक ज्वेलर के पास से मिला था। ज्वेलर ने दावा किया था कि ये हार इमरान सरकार का एक मंत्री सैयद जुल्फी बुखारी बेचने आया था। खैर, पाकिस्तान के चोरों की ये करतूत देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तमाम मुसीबतों से जूझ रहे पाकिस्तान से आई इस खबर को देखकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।